स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7B ऑफ क्लास 6 फ्रॉम योर बुक न्यू काउंटडाउन एंड ओपन द पेज नंबर 103। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं परसेंटेज में, आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15%। मैं आपको एक ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ और थर्ड क्वेश्चन पॉइंट वाला 3.5%, ये दोनों पार्ट में आपको समझाती हूँ। फर्स्ट है 15%। परसेंट जहाँ पे भी आता है उसकी जगह हम हमेशा 1/100 पुट करते हैं। परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। ओके, इस क्वेश्चन में हमने परसेंट को ख़त्म करना है, फ्रैक्शन में आंसर निकालना है, तो हमने परसेंट की जगह 1/100 पुट कर दिया। कटिंग करेंगे जिस मर्जी टेबल से आप करें, लेकिन कटिंग आपने लोएस्ट टर्म तक करनी है। ओके, ये वैल्यू जस्ट 5 से कटिंग हो रही है, तो 5 से हमने कटिंग की तो 3/20 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट वाली वैल्यू है 3.5%। 3.5% जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 35/10। मीन पॉइंट को जब ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उसमें उसकी जगह हम 0 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई किया परसेंट की जगह 1/100। ओके, मल्टीप्लाई किया तो 35/1000 आ गया। 5 के टेबल से कटिंग होगी, कटिंग की तो 7/200 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। अच्छा जी, अब देखिए आपको फ्रैक्शन में दे दिया, परसेंटेज में आपने फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में था, फ्रैक्शन में निकाला, अब फ्रैक्शन में है, आपने परसेंटेज में निकालना है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/5 एंड फोर पार्ट 0.35। ये दोनों पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट है 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब परसेंटेज में परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना होता है, तब आप मल्टीप्लाई जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। ठीक है, जब आपने परसेंटेज से निकालना होता है तो 1/100 परसेंटेज की जगह पुट करते हैं। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100% लिखते हैं। ओके, देन हमने कटिंग की 5 के टेबल से, 5 के टेबल से कटिंग करके 20% हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह पॉइंट वाले पॉइंट में हमारे पास 0.35 है, पॉइंट को कट करके उसकी जगह 1 और आगे जितने डिजिट हैं वहाँ 0, मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 से कट जाएगा, हमारे पास 35% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेट परसेंट इन ईच केस। आपने परसेंटेज ही फाइंड आउट करनी है हर केस में। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ₹60 आउट ऑफ ₹150। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 जो है वह वैल्यू ऊपर आएगी, 150 जो है वो नीचे आएगी। रेट ऑफ परसेंट 60/150। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% लिख देंगे। कटिंग करेंगे, मैंने किस साथ कटिंग की है, 0 के साथ कटिंग की है। 6/15, 5 3 15, 5 2 10 एंड 0, मल्टीप्लाई किया 120/3, देन अगेन 3 के टेबल से 3 1 3, 3 4 12, 0। कटिंग सबकी अपनी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, आंसर सेम आना चाहिए, सबकी कटिंग डिफरेंट होगी। ओके, रेट ऑफ परसेंट 40% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अदीला सेव 16% ऑफ हर मंथली सैलरी। इफ़ शी गेट ₹21,000 पर मंथ, हाउ मच डज शी सेव एवरी मंथ। उन्होंने कहा है अदीला जो है वो अपनी सैलरी सेव करती है 16%। वो कितना कमाती है, 21,000। तो आप बताएं उसकी एवरी मंथ में कितनी सैलरी सेव होती है, रुपीस में बतानी है, परसेंटेज में नहीं बतानी। ओके, अदीला सेव कितने करती है, ₹21,000। रेट ऑफ सेविंग, जब रेट की बात होती है तो परसेंटेज में आता है 16%। पर मंथ सेविंग, मंथ में कितना करती है, 21,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 16% से, 16% की जगह 1/100। 0 के साथ कट के 210 मल्टीप्लाई बाय 16, 3,360 पर मंथ सेविंग अदीला जो करती है वो है ₹3,360।